आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इनर प्रोडक्ट स्पेस पार्ट टू। अगर आपको पिछला वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम और अच्छे से अच्छे वीडियो बनाकर आपको दे सकें। सो लेट्स स्टार्ट। लास्ट टाइम हमने इनर प्रोडक्ट स्पेस की डेफिनेशन की थी और उसका एक एग्जांपल किया था। उसी तरह से सेकंड और थर्ड एग्जांपल भी सेम है। यू कैन डू इट विदाउट एनी हेल्प। सो टुडे वी विल स्टार्ट विद फोर्थ एग्जांपल, दैट इज Let's start. The fourth example is इससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि अगर कहीं इनर प्रोडक्ट स्पेस डिफाइन है U, V तो हम उसको वही लेकर चलेंगे जो डिफाइन है। अगर किसी क्वेश्चन में इनर प्रोडक्ट स्पेस डिफाइन नहीं है तो वहां हम लेंगे लेट यू इज ए वन ए टू ए थ्री अप टू ए एन एंड वी इज बी वन B2, B3, up to Bn। अगर जहां इनर प्रोडक्ट स्पेस डिफाइन नहीं होगा तो वहां हम लेंगे फर्स्ट एज इट इज और सेकंड के ऊपर बार प्लस A2, B2 बार प्लस अप टू सो एन An, Bn बार। कई क्वेश्चन में इनर प्रोडक्ट स्पेस डिफाइन होगा, जैसे अगर हम थर्ड एग्जांपल की ही बात करें वहाँ इनर प्रोडक्ट स्पेस एफ ऑफ टी कोमा जी टी डिफाइन है, दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन अल्फा से बीटा एफ ऑफ टी जी टी का मोड डी। And same as that, second example is defined. The second example में जो inner product space है वो define है कि u comma v is equal to 2x1 y1 bar plus x1 y2 bar plus x2 y1 bar plus x2 y2 bar। देखिए सेकंड एग्जांपल और थर्ड एग्जांपल में इनर प्रोडक्ट स्पेस डिफाइन है। जहां पर इनर प्रोडक्ट स्पेस डिफाइन नहीं होगा तो वहां हम इसको लेकर चलेंगे इनर प्रोडक्ट स्पेस ऑफ यू कोमा वी इज ए वन बी वन बार, मतलब फर्स्ट मेंबर एज इट इज और सेकंड के ऊपर बार और उनको ऐड कर देंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद फोर्थ एग्जांपल। द फोर्थ एग्जांपल इज Let V be an inner product space. V is given IPS. So that if यदि A, B और C members हैं field के और U, V, W members हैं vector space के, are arbitrary, तो first बात हमें proof करनी है। First is ए यू कोमा वी इज इक्वल टू ए यू कोमा वी। तो अगर हम इसकी बात करें तो मतलब है कि अगर फर्स्ट मेंबर के साथ कोई स्केलर लगा है तो वो एज इट इज बाहर आ जाएगा और लिखेंगे कि इनर प्रोडक्ट स्पेस यू की वी के साथ।
तो इसके प्रूफ करने के लिए हमें दिया हुआ कि वी जो है वो इनर प्रोडक्ट स्पेस है। अगर वी इनर प्रोडक्ट स्पेस है तो ये इनर प्रोडक्ट स्पेस की कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। तो इसकी लास्ट कंडीशन है ए यू प्लस बी वी कोमा डब्ल्यू। इसको ऐसे लिख सकते हैं ए यू कोमा डब्ल्यू प्लस बी वी कोमा डब्ल्यू, ठीक है। और ए बी सी कहाँ से लिए गए हैं, फील्ड में। फील्ड में तो जीरो भी होता है, तो बी को हम जीरो रख देंगे। तो ये बन जाएगा हमारे पास ए यू कोमा डब्ल्यू इज इक्वल टू ए यू कोमा डब्ल्यू प्लस ये जीरो है, जीरो वी कोमा डब्ल्यू, तो ये जीरो हो गया। तो ये बन गया ए यू कोमा डब्ल्यू इज इक्वल टू ए यू कोमा डब्ल्यू। मतलब इसके फर्स्ट मेंबर के साथ स्केलर लगा हुआ है और ये एज इट इज बाहर आ गया और यू की प्रोडक्ट डब्ल्यू के साथ। दैट सेम केस इज यूज्ड हेयर, हेयर ए यू कोमा वी पहले के साथ स्केलर लगा हुआ है, एज इट इज बाहर आ जाएगा, तो ये बन जाएगा यू कोमा वी। दैट वाज द फर्स्ट एग्जांपल, दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, यू हैव आल्सो रिमेम्बर इट। द सेकेंड क्वेश्चन इज हमें प्रूफ करना है कि यू ए वी को इक्वल दिखाना है ए वेक्टर, ए बार सॉरी यू कोमा वी के। मतलब अगर लास्ट मेंबर के साथ कोई स्केलर लगा हुआ है तो जब वो इस प्रोडक्ट से बाहर आएगा तो उसके ऊपर बार लग जाएगा, और अगर फर्स्ट मेंबर के साथ लगा है तो वह एज इट इज आएगा, लास्ट मेंबर के साथ लगा है तो उसके ऊपर बार लग के बाहर आ जाएगा। तो इसको प्रूफ करने के लिए वी जो है हमें वेक्टर स्पेस दिया हुआ है, तो हम लेकर चलेंगे यू कोमा ए वी। अगर इनर प्रोडक्ट स्पेस है सो वी कैन राइट दिस एज ए वी कोमा यू का बार, और हमें पता है अगर फर्स्ट मेंबर के साथ कोई स्केलर लगा हुआ है तो एज इट इज बाहर आ जाएगा, तो हम इसको लिख देंगे ए बार वी कोमा यू का, मतलब पूरे का बार अलग अलग कर लेंगे, ए बार वी कोमा यू, और जो ये है इनर प्रोडक्ट स्पेस है तो ए बार, सो वी कैन राइट दिस यू कोमा वी, और यही बात हमको प्रूफ करनी थी। तो हमें यहाँ से पता चला कि अगर फर्स्ट मेंबर के साथ कोई स्केलर आएगा तो एज इट इज बाहर, और ये इनकी इनर प्रोडक्ट, और लास्ट मेंबर के साथ कोई स्केलर आएगा तो उसका बार लग के बाहर आ जाएगा और इनकी इनर प्रोडक्ट। अब थर्ड पार्ट जो है, थर्ड पार्ट में हमें प्रूफ करना है नाउ द थर्ड पार्ट इज यू कोमा बी वी प्लस सी डब्ल्यू। हमें प्रूफ करना है ये जो है बी बार यू कोमा वी प्लस सी बार यू कोमा डब्ल्यू के बराबर है। तो इसको प्रूफ करने के लिए हम इसे ही लेकर चलेंगे u कोमा बी वी प्लस सी डब्ल्यू, एंड वी नो दैट दिस इज इनर प्रोडक्ट, सो दिस सेटिस्फाई द कंडीशंस ऑफ इनर प्रोडक्ट, सो वी कैन राइट दिस बी वी प्लस सी डब्ल्यू का इनर प्रोडक्ट u के साथ और इसके ऊपर बार, एंड इसके यहाँ से इसको हम ऐसे लिख सकते हैं बी
कोमा यू प्लस सी डब्ल्यू कोमा वी और इस पूरे के ऊपर बार अलग अलग कर देंगे, ये बन गया वी बार वी कोमा यू का बार प्लस सी बार डब्ल्यू कोमा वी का यू का बार और ये इनर प्रोडक्ट है सो वी कैन राइट दिस बी बार यू कोमा वी प्लस सी बार यू कोमा डब्ल्यू और यही बात हमें प्रूफ करनी थी। दिस रिजल्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट तो इसको प्लीज याद रखिएगा। द फोर्थ इज जीरो वी को जीरो के बराबर दिखाना है, तो अगर इनमें से कोई भी मेंबर जीरो हो जाए तो ये जीरो होगा, अगर ये दोनों जीरो हैं तो ये जीरो होगा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं जीरो इंटू जीरो कोमा वी और हमें ये भी पता है बाय फर्स्ट क्वेश्चन कि अगर फर्स्ट मेंबर के साथ कोई स्केलर लगा हो तो एज इट इज बाहर जीरो बाहर अंदर जीरो कोमा वी तो इसकी प्रोडक्ट जीरो के साथ कितनी हो जाएगी जीरो और यही हमको प्रूफ करना था। क्लियर इज सो दैट वाज द आवर फोर्थ क्वेश्चन। नाउ वी विल डू norm of a vector। norm क्या होता है? norm होगा अगर v कोई inner product space है। V क्या है? इनर प्रोडक्ट स्पेस और V कोई V का मेंबर लिया तो नॉर्म को हम डिफाइन करेंगे। नॉर्म इज अंडर रूट V की इनर प्रोडक्ट V के साथ, इसको बोलेंगे नॉर्म। और इसको डिनोट कैसे करेंगे? नॉर्म ऑफ V मतलब कि डबल मोड जो है नॉर्म को डिफाइन कर नॉर्म को डिनोट करता है और इसको डिफाइन करेंगे अंडर रूट वी की इनर प्रोडक्ट वी के साथ। सो वी कैन से दैट द नॉर्म ऑफ वेक्टर वी इज अंडर रूट इनर प्रोडक्ट ऑफ वी टू वी। क्लियर मतलब नॉर्म का स्केयर जो है वो किसके बराबर होगा? इन वी के इनर प्रोडक्ट वी के साथ। अगर किसी भी वेक्टर की नॉर्म v की नॉर्म अगर 1 आ जाए मतलब v की इनर प्रोडक्ट v के साथ क्या आ जाए 1, इसको बोलेंगे यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर मान लीजिए हमारे पास दो पॉइंट हैं, एक पॉइंट u एक पॉइंट v। यदि मुझे इनके बीच का डिस्टेंस पता करना है तो उसे डिनोट करेंगे डी यू कोमा वी एंड वी डिफाइन इट एज डी यू कोमा वी इज इक्वल टू नॉर्म ऑफ यू माइनस के वी। क्लियर सो लास्ट इसके बाद हमारे पास है नॉर्मलाइज। व्हाट इज नॉर्मलाइज? नॉर्मलाइज नॉर्मलाइज मीन्स अगर किसी वेक्टर को ऐसे लिख दें u अपॉन नॉर्म ऑफ u तो इसको बोलेंगे ये क्या है? नॉर्मलाइज वेक्टर। क्लियर ओके। नाउ कम्स ऑन द सिक्स्थ एग्जांपल।
सिक्स्थ एग्जांपल इज फाइंड द नॉर्म ऑफ वेक्टर। यू कोई वेक्टर है, इसकी नॉर्म निकालनी है, 2, -3, 6, एंड नॉर्मलाइज दिस वेक्टर, और इसको नॉर्मलाइज करना है। फाइंड नॉर्म एंड नॉर्मलाइज दिस वेक्टर। तो u हमारे पास 2, -3, 6 है, एंड वी नो दैट नॉर्म ऑफ u का स्क्वायर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ u कोमा u। यहां पर जो है इनर प्रोडक्ट डिफाइन नहीं है, तो हम क्या लेंगे कि फर्स्ट स्केलर एज इट इज, सेकंड के ऊपर बार, वी राइट इट 2 का बार +-3, -3 का बार +6 × 6 का बार। और ये तो रियल नंबर है, तो इसको एज इट इज लिख सकते हैं, 2 का स्केयर -3 का स्केयर। बार पे इसके ऊपर कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि बार का फर्क हमेशा कॉम्प्लेक्स नंबर आइटा वाले नंबर के ऊपर पड़ता है, तो 6 का स्केयर, तो ये बन जाएगा हमारे पास 49। तो नॉर्म ऑफ u इज इक्वल टू √49 एंड इट इज 7। तो u की नॉर्म कितनी हो गई, 7। अब हमें इसको क्या करना है, नॉर्मलाइज। सो कोरस्पोंडिंग कोरस्पोंडिंग नॉर्मलाइज्ड वेक्टर इज, नॉर्मलाइज्ड वेक्टर इज u अपॉन मोड नॉर्म ऑफ u, दैट इज u इज 2 एंड नॉर्म इज 7, -3/7 एंड 6/7। तो ये इसका आंसर आ गया। अगली थ्योरम है, द थ्योरम इज प्रूव दैट नॉर्म ऑफ ए यू इज इक्वल टू मोड ऑफ ए एंड नॉर्म ऑफ यू। मतलब अगर नॉर्म के अंदर स्केलर आ जाए तो उसके स्केलर मोड लगा के बाहर आ जाएगा। वेयर ए बिलोंग्स टू फील्ड, दैट इज स्केलर, एंड यू बिलोंग्स टू वेक्टर, वी वेक्टर स्पेस वी। सो वी नो दैट नॉर्म का स्क्वायर इज इक्वल टू ए यू कोमा ए यू, एंड वी ऑल्सो नो दैट अगर फर्स्ट मेंबर के साथ कोई स्केलर आ जाए तो वो एज इट इज बाहर, यू कोमा ए यू, और अगर सेकेंड मेंबर के साथ स्केलर आ जाए तो उसके साथ बार बाहर आएगा, ए ए बार यू कोमा यू। हमें पता है कि ए ए के बार इज इक्वल टू मोड ऑफ ए का स्केयर, पीछे भी हमने डिफाइन किया था, तो दैट इज मोड ऑफ ए एंड नॉर्म ऑफ यू का स्केयर। तो दोनों का नी अंडर रूट कर देंगे, तो नॉर्म ऑफ ए यू इज इक्वल टू मोड ऑफ ए एंड नॉर्म ऑफ यू, और यही हमें प्रूफ करना था। क्लियर। अब एग्जांपल नंबर 7, एग्जांपल नंबर 7 इज प्रूव दैट, टू प्रूफ वी अपॉन नॉर्म ऑफ वी इज ऑलवेज अ यूनिट वेक्टर, इज ऑलवेज अ यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर इज जिसकी नॉर्म हमारे पास 1 होगी। तो हम इसकी पूरे की नॉर्म लेंगे, नॉर्म ऑफ
वी अपॉन नॉर्म ऑफ वी, सो वी रिटन इट एज वन अपॉन नॉर्म ऑफ वी, और नॉर्म को अलग अलग, ये हो जाएगा हमारे पास वन अपॉन नॉर्म ऑफ वी की नॉर्म और नॉर्म ऑफ वी, नॉर्म की नॉर्म, नॉर्म ऑफ वी और नॉर्म ऑफ वी, इसके साथ ये कैंसल, सो दिस इज वन, और जिसकी इसकी नॉर्म वन आ गई तो ये क्या हो गया, यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर। आगे हमारे पास है थ्योरम, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम, कोसी स्क्वार्ज इनक्वालिटी, कोसी स्क्वार्ज इनक्वालिटी, दैट इज अवर मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम इन द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जाम। सो लेट्स स्टार्ट दिस थ्योरम। द थ्योरम नेम इज कोसी स्क्वार्ज इनक्वालिटी, कोसी स्क्वार्ज इनक्वालिटी, कोसी स्क्वार्ज इनक्वालिटी क्या है हमारे पास, ये थ्योरम बताती है, लेट बी बी एन इनर प्रोडक्ट स्पेस, लेट वी बी एन इनर प्रोडक्ट स्पेस, देन मोड ऑफ यू कोमा वी लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ यू एंड नॉर्म ऑफ वी फॉर ऑल यू कोमा वी बिलोंग्स टू वी। तो लेट्स स्टार्ट दिस थ्योरम। अगर हमारे पास प्रूफ यू जो है वो जीरो हो जाए तो यू कोमा वी कितना हो जाएगा हमारे पास, जीरो कोमा वी इज इक्वल टू जीरो, है ना, एंड नॉर्म ऑफ यू इज इक्वल टू आल्सो जीरो। सो हियर वी नॉट नीड टू प्रूव इट, वी विल प्रूव इट व्हेन यू इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड वी इज आल्सो नॉट इक्वल टू जीरो। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक कंडीशन को लर्न करना पड़ेगा, यहां हम W को लेंगे, W इज इक्वल टू V माइनस के V कोमा U अपॉन नॉर्म ऑफ यू का स्केयर, और यहाँ यू हमने उस दिन बताया था कि अगर किसी भी इनर प्रोडक्ट का लेट यू कोमा वी को हम सॉल्व करेंगे तो रिजल्ट जो आएगा वो क्या आएगा, स्केलर, स्केलर आएगा। तो हमें इस कंडीशन को लर्न करना पड़ेगा, W इज इक्वल टू V माइनस इनर प्रोडक्ट स्पेस ऑफ V कोमा U टू U अपॉन मोड नॉर्म ऑफ U का स्केयर, और जो इस ये है ये एक स्केलर है क्योंकि प्रोडक्ट का आंसर हमेशा स्केलर आएगा इनर प्रोडक्ट स्पेस।
तो इसके लिए हम सोल्व करेंगे नोरम ऑफ डब्ल्यू का स्क्वेयर, नोरम ऑफ डब्ल्यू का स्क्वेयर इक्वल टू डब्ल्यू कोमा डब्ल्यू। तो यहाँ हम डब्ल्यू की वैल्यू रखेंगे, ये हमारे पास डब्ल्यू कितना है, वी माइनस वी कोमा यू अपॉन नॉरम ऑफ यू का स्क्वेयर, और यहाँ पर यू कोमा पिछले वाला डब्ल्यू एच इट इज। इसकी प्रोडक्ट इसके साथ करेंगे जब, तो वी कोमा डब्ल्यू, सो यहाँ हो गया हमारे पास वी कोमा डब्ल्यू माइनस वी कोमा यू, तो स्केलर है तो ये बाहर, क्योंकि देखो जब इसकी प्रोडक्ट इसके साथ करेंगे, फर्स्ट मेंबर के साथ स्केलर लगा है वो एज इट इज बाहर, यू का स्केयर, और इसकी प्रोडक्ट इसके साथ तो दैट इज यू कोमा डब्ल्यू। क्लियर? तो यहां पर हम इसको लिख सकते हैं वी कोमा डब्ल्यू माइनस वी कोमा यू अपॉन नॉर्म ऑफ यू का स्क्वायर, दिस इज इनर प्रोडक्ट स्पेस, और डब्ल्यू कोमा यू का बार। अब इसके लिए हमें पहले सोल्व करना पड़ेगा डब्ल्यू कोमा यू, डब्ल्यू कोमा यू, ताकि हम इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर सकें। सो डब्ल्यू कोमा यू इज इक्वल टू यहाँ पर वी डब्ल्यू की वैल्यू माइनस वी कोमा यू अपॉन नॉरम ऑफ यू का स्केयर और यू कोमा यू, इसकी प्रोडक्ट इसके साथ, ये बन जाएगा हमारे पास वी कोमा यू माइनस दैट इज स्केलर और फर्स्ट मेंबर के साथ लगाया तो एज इट इज बाहर, वी कोमा यू अपॉन नॉर्म ऑफ यू का स्केयर और ये बन गया यू कोमा यू। और हमें पता है यू कोमा यू इज द नॉर्म का स्केयर, वी कोमा यू माइनस वी कोमा यू अपॉन नॉर्म ऑफ यू का स्केयर और नॉर्म ऑफ यू का स्केयर, इसके साथ ये कैंसल, वी कोमा यू माइनस वी कोमा वी दैट इज इक्वल टू जीरो। सो डब्ल्यू कोमा यू इज इक्वल टू जीरो, अगर ये जीरो है तो डब्ल्यू कोमा यू का बार इज आल्सो इक्वल टू जीरो, और इस वैल्यू को पुट कर देंगे यहाँ पर और यहाँ। सो जब हम इसको वैल्यू में, यहाँ इसको नाम देते हैं इक्वेशन नंबर वन, जब इसको इक्वेशन वन में पुट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास ये पिछली सारी टर्म जीरो, तो नॉर्म ऑफ डब्ल्यू का स्केयर इज इक्वल टू वी कोमा डब्ल्यू। सो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, नॉर्म ऑफ डब्ल्यू का स्केयर इज इक्वल टू वी कोमा डब्ल्यू। डब्ल्यू की वैल्यू यहां दोबारा पुट करेंगे, वी कोमा वी माइनस वी कोमा यू अपॉन नॉर्म ऑफ यू का स्क्वायर और यहाँ यू, वी के प्रोडक्ट वी के साथ, वी कोमा वी, वी की, अब ये स्केलर जो है जब इसकी प्रोडक्ट इसके साथ करेंगे तो स्केलर पिछले मेंबर के साथ है तो इसका बार बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास
माइनस ये बाहर इसका बार वी कोमा यू का बार अपॉन नॉर्म ऑफ यू का स्क्वायर स्क्वायर और ये आ गया हमारे पास वी कोमा यू हो गया। तो ये जो हो जाएगा हमारे पास दैट इज नॉर्म